हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद फिलहाल माहौल शांत है। पूरे इलाके में कर्फ्यू जारी है। उधर नूह हिंसा मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए नूह में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध प्रवासियों की कई झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। वहीं जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ अभियान के तहत अवैध दुकानों को ढा दिया है। इससे पहले मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी तक 202 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य अपराधियों की जांच शुरू की जा रही है। आगे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नूह में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और हम एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी एक भी ना छूटे, इस सिद्धांत में हमारी पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुख्ता सबूत इकट्ठे करके ही ये कार्रवाई की जा रही है।